हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकर वरदान। मेरा नाम वरदान है, मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने सिंगापुर जाना तो आपको ये कार्ड भरना मैंडेटरी है। आइए देखिए मेरे साथ कि ये कैसे भरते हैं, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एस जी अराइवल कार्ड विद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिक्लेरेशन। ये यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक सिंगापुर सिटीजन के लिए और लॉन्ग टर्म पास होल्डर हैं, और लॉन्ग टर्म पास होल्डर हैं जो उनके लिए, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है साथ में फॉरेन विजिटर के लिए जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके जाते हैं, ई पास लेके जाते हैं उनके लिए फॉरेन। तो हम फॉरेन विजिटर हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके टूरिस्ट बेस पे हम जा रहे हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस जी अराइवल कार्ड। नंबर वन पे लिख रखा है इंडिविजुअल सबमिशन, ग्रुप सबमिशन, अपडेटेड सबमिशन, ई पास इंक्वायरी पोर्टल। सबसे पहले इंडिविजुअल सबमिशन, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप ये अकेले के लिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर वाला। पे ग्रुप सबमिशन है, और थर्ड नंबर यहाँ पे अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप के लिए आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप की जानकारी आएगी। तीसरे थर्ड नंबर पे अपडेटेड सबमिशन, मान लो कुछ आपने पहले से सबमिट कर रखा है अपना अराइवल कार्ड वहाँ पे, तो उसके अंदर कुछ अपडेट करना है आपको, फ़्लाइट आपकी चेंज हो गई है, डेट चेंज हो गई है, तो उसके लिए थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे आपको अगर ई पास की इंक्वायरी पोर्टल है, यहाँ पे कुछ किसी भी तरह की इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप वहाँ फोर्थ नंबर पर जा सकते हैं। इस साइट का जो है मैं लिंक, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इजी हो जाएगा, आप आसानी से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो मैं इंडिविजुअल सबमिशन करके आपको दिखाऊंगा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपसे पर्सनल मांगी गई है, नेम, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ ही है, जल्दी से हम इसको भर देंगे। कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको भर देनी है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे, इंडिया से कहाँ पे हो। पे मैं हरियाणा से हूँ, तो यहाँ हरियाणा भर देंगे। यहाँ पे हरियाणा के दो ऑप्शन आ गए हैं, एक तो हरियाणा एनसीआर वाला गुरुग्राम, इस एरिया में रहते हो, या आप हरियाणा अदर इन हरियाणा में कहाँ रहते हो, अदर इन हरियाणा में कहीं और, गुरुग्राम एनसीआर से दूसरी जगह हरियाणा में रहते हो तो आप उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, इंडिया में, या आपकी नेशनलिटी, आप किसकी नेशनलिटी, आप सिटीजनशिप आपके पास किस, कौन सी कंट्री गया, इंडियन। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भरना है अपना, यहाँ पे आपको दोबारा अपना ईमेल एड्रेस जो कि भरना है, यहाँ पे आपको रीजन कोड और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। कंट्री कोड 91, कंट्री कोड हमारा 91 है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, सेकंड टाइम, कंटिन्यू। यहाँ से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये डेट ऑफ अराइवल टू सिंगापुर। अब यहाँ पे लिख रखा है डिक्लेरेशन कैन ओनली टू डन विद इन 3 डेज प्रायर टू डेट अराइवल टू सिंगापुर, मतलब कि आप 3 दिन पहले ही यहाँ पे ये डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, ये अराइवल कार्ड है, ये आप भर सकते हो। मान लो अगर आपको 20 तारीख को जाना है, तो आपके लिए 18 तारीख को ओपन होगा, 18, 19 और 20, 18 को आपके लिए ओपन होगा। यहाँ पे जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो 29, 30, 31 मार्च के लिए ओपन है सिर्फ ये, तो मैं यहाँ 30 के लिए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने कल जाना है तो मैं कल के लिए, अगर मैंने परसों जाना है तो परसों के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मोड ऑफ ट्रैवल, आप किस तरह से यहाँ किस तरह से ट्रैवल कर रहे हो आप सिंगापुर जाने के लिए, एयर, लैंड, सी, तो मैं एयर से कर रहा हूँ, एयर सिलेक्ट कर लेंगे। कन्फर्म, कंटिन्यू।
मोड ऑफ ट्रैवल, किससे जा रहे हो, कमर्शियल से ही आएंगे, प्राइवेट से जा रहे हो, कमर्शियल से जा रहे हैं हम, फ्लाइट कोड किस फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट नंबर अपना, यहाँ पे टाइप ऑफ एकोमोडेशन आप कहाँ पे रुकने वाले हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कि ऊपर आपके ये सारा दे रखा है कि किस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो, कहाँ आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ से तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आप कहाँ पे रहोगे। मैं होटल में रहूँगा तो मैं होटल में रहूँगा तो होटल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे नेम ऑफ होटल यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप इस ड्रॉप डाउन में आपका होटल का नेम नहीं आता तो आप वहाँ पे अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने होटल का नेम यहाँ पे पहले सर्च करूँगा। मेरा होटल यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसको यहाँ होटल का नेम, अगर यहाँ पे ना आता होटल का नेम तो यहाँ पे अदर्स आप सिलेक्ट कर सकते थे। लास्ट सिटी टू पोर्ट, मतलब आप सिंगापुर जाने से पहले, लास्ट सिटी मेरी दिल्ली थी तो मैं दिल्ली से पोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, इंडिया दिल्ली दिल्ली, ठीक है। तो नेक्स्ट सिटी टू पोर्ट, अगर आप तो मान लो सिंगापुर, आप आफ्टर सिंगापुर आप कहाँ जाओगे, सेम एज लास्ट सिटी, मतलब आप दिल्ली में ही वापस आओगे या सिंगापुर से किसी और कंट्री या किसी और जगह जाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा बताम, आ गया, ठीक है। तो डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, आप सिंगापुर से इंडोनेशिया कब जाने वाले हो, या यहाँ पे इंडिया भी आ सकता था, यहाँ पे थाईलैंड भी आ सकता था, यहाँ पे कुछ भी, जहाँ भी आप जाने वाले हो वो यहाँ पे कंट्री का नेम आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ जाने के लिए सिंगापुर से आप वहाँ से फ्लाई करोगे या जाओगे वहाँ से, तो हम लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 तारीख। तो अब यहाँ पे आ गया हैव यू एवर यूज्ड ए पासपोर्ट अंडर डिफरेंट नेम टू एंटर सिंगापुर, कभी आप सिंगापुर आपने डिफरेंट नेम से वहाँ पे आने की कोशिश की, जो पासपोर्ट पे डिफरेंट नेम से अगर आपने आने की कोशिश किया इनलीगल तरीके से, तो उसके लिए पूछा गया है यहाँ पे, नो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ लिख रखा है आपने यहाँ पे आने से पहले लास्ट 7 डेज़ की अपनी हिस्ट्री बताओ कि आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए हो। मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं सिर्फ इंडिया ही था, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा, इंडिया, ओके। अब यहाँ पे लिख रखा है डिड यू स्टार्ट टू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इन द लास्ट 7 डेज़, अगर आपको फीवर हुआ है लास्ट, यहाँ से सिंगापुर जाने से पहले 7 दिन के पहले आपको फीवर हुआ है, कफ हुआ है, या कोई भी इनमें से बीमारी हुई है, तो आप उसके लिए यस और नो लिख सकते हैं। मैं यहाँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो मैं यहाँ नो लिखूंगा, नहीं तो आप यस लिख सकते हैं। आर यू रिकग्नाइज टू सस्पेक्ट टू हैव COVID-19 इन्फेक्शन इन लास्ट इन पास्ट 19 डेज, आप 19 डेज से पहले कभी आप COVID-19 के सस्पेक्ट पाए गए हो, COVID-19 से मतलब हुआ है आपको कभी, तो यहाँ पे हाँ या ना का जवाब, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो भगवान की कृपा, नो। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में, आपको पढ़ लेना है सारा, और उसके बाद ही डू यू हैव ओवरसीज डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ओवरसीज डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो उसके लिए यस और नो आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं एन ए कर दूंगा। और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन लिखा गया है, प्रीव्यू प्रीव्यू कर लेना आपने, अपनी जो जो आपने डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई हैं उसका एक बार देख लेना कि मैंने सही भरा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपके नाम आ गया, जो जो आपने अभी ऊपर डिटेल्स फिल करी हैं वो आपके पास सारा, ये इस तरह से आपको फॉर्म बन के मिलेगा जो कि SG अराइवल कार्ड है। आप अपनी डिटेल्स एक बार, इन्होंने आपको देखने का मौका दिया कि आप एक बार ही देख सकते हो अपने डिटेल्स को कि कुछ गलत तो नहीं, अगर गलत है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि यही वहाँ पे जाने के बाद यहाँ आपका चेक करेक्शन वाले आपका चेक करेंगे। तो अगर सारी डिटेल्स आपकी सही हैं तो यहाँ से चेकबॉक्स को करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये आपका जो अराइवल कार्ड है वो आपको, आप वहाँ से अपना PDF जो कि है वो डाउनलोड कर सकते हो इस सबमिशन का, तो
तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारा बता दिया स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से आप SG सिंगापुर अराइवल कार्ड को है जो कि सबमिट कर सकते हो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो कि सिंगापुर जाने वाला अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी मैं आगे सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड जाने वाला हूँ घूमने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ की ट्रैवल अपडेट देखने के लिए और वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, इस टाइम ट्रैवल ओपन हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा आगे आने वाली सारी वीडियोस में। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे कीप सपोर्ट। थैंक यू।